भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के कुशासन के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा की ओर से चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा निकालकर लोगों को सरकार की विफलताओं के बारे में जनता को अवगत कराया और जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। भाजपा के जन आक्रोश की यात्रा का आज तीसरा दिन है, जिसमें लोगों का अपार जन समर्थन मिला है। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 वर्ष में केवल अपनी सरकार को बचाने के अलावा कुछ नहीं किया, उल्टा प्रदेश को अपराधों का सिरमौर बना दिया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, किसान इनकी वजह से आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा इस राजस्थान में है। गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए लग रहे हैं, प्रदेश की जनता आने वाले 2023 के चुनाव में इनको सबक सिखा देगी। जनता को इन्होंने अनेकों तरह के सपने दिखाए थे, लेकिन वह अपनी सरकार को बचाने में चक्कर में चकनाचूर कर दिए। भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस जन आक्रोश रैली में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली प्रभारी ने जनसैलाब को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाई और राहुल गांधी की मालाखेड़ा में हुई चुनावी यात्रा की 10 तक की गिनती जनता को याद करवाई। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पति गोपाल चौधरी, हरी सिंह, सहदेव सिंह नरूका, इंद्रजीत पाटा, डेविड मट्टा, गोविंद सैनी, करण सिंह चौहान, करण सिंह गुर्जर, अर्जुन सिंह, चरण सिंह सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले जाने वाली जन आक्रोश यात्रा का तीसरा दिन आज तिलवाड़ गांव में पहुंचा है। यह मंदिर के प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया जन आक्रोश यात्रा का। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सहित हमारे संयोजक गोपाल जी, हमारे इंद्रजीत सिंह जी और उसके अलावा गांव के सभी माताओं बहनों सहित बच्चों सहित सब ने भव्य स्वागत किया और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर नीमपुर, नसवारी, मालपुर, खेड़ा, सैदमपुर और न्याणा पहुंचेगी, रात्रि विश्राम करेगी। रास्ते में भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और खरोच के साथ मोटरसाइकिल बाइक रैली के साथ स्वागत कर रहे हैं और मैं सभी जनता से आग्रह करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक समर्थन दें, इसके साथ जुड़ें, शिकायत पेटिका में अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, मिस कॉल के माध्यम से इस जन आक्रोश यात्रा को समर्थन दें और हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।